अपने फ्लिपकार्ट का जो पासवर्ड है वो पता कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग पहले की तरह बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो वो काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है फ्लिपकार्ट के बारे में। अगर आपको भी आपका फ्लिपकार्ट का पासवर्ड नहीं पता है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है आप अपने फ्लिपकार्ट का जो पासवर्ड है वो पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कि अच्छे टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट का पासवर्ड चेंज करने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। चलो भाई, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है फ्लिपकार्ट का पासवर्ड पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपना नीचे के साइड में एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे के साइड में एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सीधे आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों इसको कट कर देना है और यहाँ से इसको हटा देना है। फिर से दोस्तों अपना जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट का वाला ऑप्शन पे आपको चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अकाउंट वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे लॉग इन कर लेना, वो नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। यहाँ से दोस्तों पहले आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ओटीपी आपको एक नंबर पे जाएगा, जिस भी नंबर आप डाले होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अपने अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अकाउंट सेटिंग, और उसके नीचे दोस्तों आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे स्क्रॉल जैसे ही करते हैं तो नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेट अकाउंट, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे ये जो नंबर दिख रहा है इस पे आपको एक ओटीपी चला गया है। तो यहाँ पर ये पहले ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक ओटीपी फिलअप कर लिया हूँ और अपना पासवर्ड भी एक क्रिएट कर लिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों आपका जो पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट होकर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप नया पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो आप जब भी अपना फ्लिपकार्ट ओपन कीजिएगा तो आप यही पासवर्ड से आप जो है कभी भी लॉगिन कर सकते हो, भी बहुत इजी तरीके से दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से आप अपना फ्लिपकार्ट का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।